नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को सूक्ष्मदर्शी कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप माइक्रोस्कोप की तरह भी अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। चलिए मैं आपको उस ऐप्स का यूज़ करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये वो ऐप्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसमें ये देखिए कितना पास दिखा रहा है। ये देखिए वहाँ पर बहुत बहुत काफ़ी दूर है वे। और इसको आप ऐसे करिए, देखिए यहाँ पर ये इसका कैमरा है, ये काफ़ी दूर की चीज़ को बहुत पास दिखा देता है। और ये वाला जो बटन है, ये आपकी फ्लैश लाइट चला ओपन कर देगा। और इसमें तीन प्रकार के लेंस हैं। यहाँ पर पहला लेंस है जो 5 मेगापिक्सल का है, जो कि ओपन है। अब यहाँ पर देखिए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 10x और यहाँ पर 20x, तो इसका जूम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए देखिए, मैं यहाँ पर 10x पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए, ये दूसरा लेंस यहाँ पर लग गया। और ये देखिए, ये जो आपको वहाँ पर पक्षी दिख रहा है कबूतर, ये कितना नज़दीक आ गया। अब मैं चलिए 20x पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, और भी नज़दीक आ गया है यहाँ पर। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना नज़दीक, काफ़ी दूर है मुझसे ये, लेकिन बहुत नज़दीक दिखा रहा है और लगभग क्लियर ही दिखा रहा है। और इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी फ्लैश लाइट भी ओपन कर देता है। इसको ऑफ भी कर सकते हैं और इससे कम ज़्यादा आप फोकस कर सकते हैं। ये देखिए, और ये देखिए 5x का लगा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये कितनी दूर चला गया। और यदि हम नॉर्मल कैमरे से इसकी बात करें तो ये काफ़ी आपको दूर दिखाई देगा। चलिए मैं आपको नॉर्मल कैमरा भी चला के दिखा देता हूँ। नॉर्मल कैमरे की बात करें तो ये देखिए वहाँ पर कितनी दूर यहाँ पर दिखा रहा है। और आप सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप इसको कितने आसानी से देख सकते हैं। आप दूर दूर की चीज़ें बड़े नज़दीकी से देख सकते हैं अपने मोबाइल में। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ आप इसको प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है MICRO माइक्रो SCOP माइक्रोस्कोप, यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट वाली जो यहाँ पर है, ये वाली ऐप्स बहुत ही अच्छी है। मैंने सभी यूज़ करके देखी, लेकिन सबसे अच्छी मुझको यही लगी है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए यहाँ से। देखिए मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देख लीजिए, इसका आइकन इस तरह का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो के नीचे लाल कलर का जो बटन है, आप उसको दबा दीजिए। साथ में आपको बेल आइकन को भी दबा देना है। आज के इस वीडियो में बस इतने, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद। वंदे मातरम।